फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, जिसके बारे में हम ये समझेंगे कि ये कौन से हेडिंग में जाते हैं। यानी हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों का फॉर्मेट हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आप पहले फॉर्मेट को अच्छे से एक बार रीड कर लो, क्योंकि देखो जब तक फॉर्मेट को रीड नहीं करोगे ये आइडिया नहीं लगेगा कि ये सारी चीजें हमें कहाँ लिखनी है। ठीक है, एक बार अगर फॉर्मेट पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और वहां से एक बार देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद ये वीडियो देखना तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या है, यहाँ पे मैंने लगभग 40 पॉइंट के आसपास ऐड किया है, 40 से शायद ज्यादा भी हो सकता है, मैंने काउंट नहीं किया, मैंने ऐड कर दिया था, 3 से 4 एग्जाम्पल्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो भी नाम लिखा, लाइक अभी देखो फर्स्ट में लिखा डिवेंचर रिडीमेबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, तो हमें ये समझना होता है कि ये कहाँ पे लिखना होता है। हम लोगों को पता है, हमने जब पढ़ा था फॉर्मेट तो मैंने कुछ तरीके बताए थे, तो जिसमें से मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था कि जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है बस ऐसे समझा करो कि जो बैलेंस शीट होता है वो दो पार्ट्स में बंटता है। कौन कौन से पार्ट्स में? सर, कैपिटल एंड लाइबिलिटी और एसेट्स में। याद है ये हमारा फॉर्मेट होता है इक्वेशन वाला। फिर मैंने कहा था ये जो कैपिटल और लाइबिलिटी होता है इसमें से कैपिटल को अलग करो और लाइबिलिटी को अलग करो। ठीक है, अब कैपिटल में भी दो पार्ट्स कर देना, एक कैपिटल वाला पार्ट्स और एक रिजर्व वाला। अब देखो हम कौन से फॉर्मेट की बात करें, कंपनी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो जब हम कंपनी फॉर्मेट की बात करते हैं तो एक्चुअली ये कैपिटल के बदले हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं। तो बस इतना याद रखना है, बात समझ में आया। और रिजर्व एंड सरप्लस तो दोनों में ही सेम रहता है। अब लाइबिलिटी की बात करते हो तो लाइबिलिटी में दो है, एक है नॉन करेंट और एक है करेंट। नॉन करेंट में मैंने बताया था बीपीओ, यानी कि बोरोइंग प्रोविजन एंड अदर, लेकिन ये सारे सारे कैसे होंगे, नॉन करेंट यानी लॉन्ग टर्म वाले। और फिर मैंने करंट में क्या बताया था, सेम मैंने बताया था कि बीपीओ तो कॉपी पेस्ट कर देना और वहां पे जाके टाइम पास करना है, मतलब कि बोरोइंग प्रोविजन अदर, और ये लास्ट वाला होता है ट्रेड पेबल। ठीक है, इसको ऊपर लिख देना और अदर को नीचे लिख देना, वो ज्यादा सही रहेगा, बस याद करने के लिए मैंने ऐसा बताया था। फिर मैंने कहा था एसेट्स, एसेट्स को भी सेम यही करो, क्या करोगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करो, एक नॉन करेंट और एक करेंट। तो अब नॉन करेंट की बात करते हैं तो तुम्हें पता है नॉन करेंट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट आता है, उसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल आईटी लिख देता हूँ, यानी फिक्स होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में क्या आता है, अदर। ये चार चीजें आती हैं। अब जब करंट एसेट की बात करते हैं तो करंट एसेट में मैंने कहा था ये तीनों पहले कॉपी पेस्ट कर दो, यानी कि इन्वेस्टमेंट लेकिन शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस लेकिन शॉर्ट टर्म वाले, अदर यानी शॉर्ट टर्म वाले। सर बाकी का कैसे याद रखोगे, तो मैंने कहा था कैश इन्वेंट्री और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, यानी ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। देखो इतना आसानी से इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया और सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से तुम्हें 2-3 बार ऐसे लिख के याद करो तो ज्यादा बेटर है, और नहीं तो इसको एक दो बार रीड कर लो, तो एक दो बार रीड कर लोगे तो पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर का पढ़ना, सबसे पहले हेडिंग्स याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब हेडिंग्स पढ़ते हो तो मैंने तरीका बताया था कि हेडिंग्स के अंदर क्या क्या आता है, तो हो सकता है कि हेडिंग्स पढ़ते ही पढ़ते तुम्हें सारी चीजें याद हो जाए, तो तुम्हें फिर बाद में बाकी चीजों को याद करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो हेडिंग पे थोड़ा फोकस करना, उसके बाद जब ये हो जाए तब फिर यहाँ पे ये वीडियो देखने आना, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब जैसे देखो सबसे पहला लिखा हुआ डिबेंचर रिडीमेबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। अगर डिबेंचर रिडीमेबल है तो तुम्हें पहली बात तो डिबेंचर लिखा तुम्हें पता है ये लॉन्ग टर्म होगा, और ये भी क्या होगा, लाइबिलिटी वाला पार्ट होगा। अब ये डिसाइड करना है कि ये कहाँ जाएगा, कि देखो लॉन्ग टर्म है डिबेंचर हमें पता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर। देखो मैंने कहा ना डिबेंचर नॉर्मली होता है, लॉन्ग टर्म हमारे दिमाग में यही आएगा और हम फटाफट ये लिखेंगे, पर आगे एक वर्ड लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर, और अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो फिर मुझे किसी बात का टेंशन नहीं था, लेकिन आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है कि ये विद इन 12 मंथ तुम इसको क्या करने वाले हो, रिटर्न करने वाले हो, और जब विद इन 12 मंथ इसको रिटर्न करने वाले हो इसका मतलब ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, और जब ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया तो लॉन्ग टर्म वाला तो सवाल ही खत्म हो गया। तब इसकी एंट्री कैसे करोगे, समझो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी एंट्री कहाँ होने वाली है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने कहा है कि जो हमारा बैलेंस शीट का कैपिटल लाइबिलिटी पार्ट होता है, कैपिटल लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे शेयर्स की बात होती है, शेयर्स में एक पार्ट होता है लाइबिलिटी का, फिर लाइबिलिटी में एक पार्ट होता है नॉन करेंट और करेंट का, लेकिन ये जाएगा करंट में। यानी सबसे पहले याद रखोगे कि ये तुम्हारा कैपिटल लाइबिलिटी वाला पार्ट है, इक्विटी लाइबिलिटी, उसके अंदर ये आता है लाइबिलिटी का और उसके भी अंदर आता है करंट का, राइट। अब देखो याद कैसे रखो, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले तुम्हें याद रखना कि ये इक्विटी लाइबिलिटी के हेडिंग में जाता है, ठीक है, ये तो तुम्हें याद रहेगा ही रहेगा। उसके बाद तुम्हें ये भी याद रह जाएगा कि ये लाइबिलिटी है।
अब इसके बाद थोड़ा याद रखना मुश्किल होगा कि करंट है कि नॉन करंट है, तो पूरा रीड करना, तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर देखिएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा करंट है और डिबेंचर है, तो ये बोरोविंग्स होता है, लॉन्ग टर्म भी बोरोविंग होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए भी तो बोरिंग होगा, ऐसा तो है नहीं कि 12 महीने के बाद रिटर्न करने वाले होते प्रोविजन बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग, समझ में। तो इस तरह से तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और समझना है कि कौन सी चीजें कहाँ जाती। तो तुम्हें क्या होगा जब तुम 30 से 40 पॉइंट सॉल्व करोगे, तुम्हारी बुक्स में काफी एग्जांपल्स दिए हैं, सबसे पहले यही करना, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सॉल्व करने से पहले यही फॉर्मेट सॉल्व कर लेना, मतलब यही सारी चीजें ये सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा जो सम्स है वो करना आसान हो जाएगा। फिर वहां पे सिर्फ तुम्हें कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि जैसे ही देखने जाओगे वैसे ही दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि कौन सी एंट्री कहाँ जाने वाली है, बात समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक। अब देखो कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक है तो मैंने बताया था कि जो कैश क्रेडिट होता है ये क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, यानी एक बात तो पता चल गया कि इक्विटी लाइबिलिटी में जाने वाले हैं, फिर ये भी पता चल गया कि इक्विटी लाइबिलिटी वाले में लाइबिलिटी पार्ट में जाएगा। इक्विटी लाइबिलिटी मतलब इक्विटी भी होता है लाइबिलिटी भी होता है, राइट, ये तो मेन हेडिंग है जो हमारा कैपिटल लाइबिलिटी है, तो उसमें ये जाएगा आपका लाइबिलिटी पार्ट में। अब लाइबिलिटी पार्ट में डिसाइड करना है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो तुम्हें पता है जो कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक होता है ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, राइट। तो ये तो पता चल गया कि शॉर्ट टर्म है, लेकिन हम ये शॉर्ट टर्म में भी चार होते हैं, एक बोरोइंग होता है, प्रोविजन होता है, अदर होता है, ट्रेड पेबल होता है। सोचो अगर याद नहीं रहता है तो सोचो, मैं मुझे आंसर पता है कि क्या है तो मैं उसको पहले इग्नोर करता हूँ, बाकी चीजें भी पढ़ता हूँ। जैसे प्रोविजन, प्रोविजन तो पॉसिबल नहीं क्योंकि लिखा हुआ है कैश क्रेडिट, और अदर पॉसिबल है नहीं, अदर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अदर में हमने पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग या तो आउटस्टैंडिंग आता है या रिसीव्ड इन एडवांस आता है ज्यादातर, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा ट्रेड पेबल है उसमें दो ही चीजें आती हैं, एक तो क्रेडिटर्स आता है और एक हमारा बिल्स पेबल आता है, तो हमारा बचा क्या, बोरोविंग। और साफ साफ यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ कैश क्रेडिट है, पैसे हमने मिले हैं कहाँ से, बैंक से, तो ऐसे भी याद रख सकते कि कैश मिला है क्रेडिट पे कहाँ से, बैंक से, तो ये हमारे लिए हो जाएगा बोरोविंग। अब बोरोविंग तुम्हें अगर पता चल गया कि उसके बाद डिसाइड ये करना है कि ये बोरोविंग कौन सा है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तुम्हें पता है ये कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म होता है। यानी कि इस तरह से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि इक्विटी लाइबिलिटी पार्ट में जाएगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में नॉन करंट, नॉन करंट में भी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। तो इस तरह से डिटेल में अगर तुम याद रख लोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो याद होगा मैंने कहा था प्रोविजन फॉर टैक्स जो ये हर साल बनाना पड़ता है, यानी एक बात तो पता चल गया कि ये शॉर्ट टर्म में जाने वाला है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि इक्विटी लाइबिलिटी नहीं लिखता हूँ क्योंकि ये तो पता चल गया ना लाइबिलिटी है, तो यानी ये लाइबिलिटी पार्ट में जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटी पार्ट में तुम्हें ये पता है कि जो प्रोविजन होता है बेसिकली वो करंट ईयर के लिए ही होता है। अब ये डिसाइड करना है कि करंट ईयर में भी कौन सा है, ठीक है, करंट ईयर में भी कौन सा है। तो करंट ईयर में तुम्हें पता है ये प्रोविजन है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे करंट लिखा है तो ये जो प्रोविजन होगा ये शॉर्ट टर्म ही होगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ करंट लिखा है तो ये प्रोविजन जो होगा वो कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म होगा, ओके। ये मैं शॉर्ट में भले लिख रहा हूं लेकिन तुम्हें याद रखना है जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी वाले में, लाइबिलिटी में भी करंट लाइबिलिटी बनेगा और करंट लाइबिलिटी में भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मैंने कहा और यहाँ पे वर्ड लिखा भी है प्रोविजन। फिर आगे लिखा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो अभी मैंने समझाया था कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है, तुम्हें पता है सबसे पहले तो ये लाइबिलिटी है, ठीक है, और लाइबिलिटी में भी तुम्हारा करंट है कि नॉन करंट है वो डिसाइड करो, तो ये पता चल गया करंट है। कैसे पता चला, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए रिसीव करते हो। अब जैसे ऐसा तो है ना कोई 5 साल का रेंट देके चला जाता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये तो हमारा हो गया करंट। अब करंट में भी चार चीजें होती है, बीपीओ और टीपी, तो तुम्हें पता है कि ये तो हमारा बोरोविंग है नहीं, प्रोविजन भी नहीं है, बात समझ में आया, और ट्रेड पेबल में तो किसी भी एंगल से नहीं जाएगा, तो बचा क्या हमारा अदर, क्या बचा हमारा अदर, तो हमें याद रखना कि ये क्या होगा, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या अदर करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसी तरह से तुम्हें सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है, हालांकि मैंने यहाँ पे देखो काफी सारे ऐड किए हैं, और अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारा यहीं पे कवर हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग बाकी चीजें भी एक बार रेडी करते हैं। बाकी में है शॉर्ट टर्म लोन, तो यहाँ पे तो साफ साफ ही लिख दिया हुआ है शॉर्ट टर्म लोन, और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ना शॉर्ट टर्म लोन, लोन है तो तुम्हें पता है ये लाइबिलिटी बन जाएगा, तो लाइबिलिटी में भी अगर शॉर्ट टर्म है तो ये करंट वाले में जाएगा, और तुम्हें पता है ये बोरोविंग होगा तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ठीक है। उसके बाद है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। अब देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी लिखा हुआ है, और याद है मैंने कहा था जो ग्रेच्युटी होता है वो किससे रिलेटेड होता है, नॉर्मली एम्प्लॉइज से रिलेटेड होता है, और एम्प्लॉइज का पैसा है तो उनको हम लॉन्ग टर्म में ही देने वाले, शॉर्ट टर्म में तो देंगे नहीं। तो एक बात तो पता चल गया कि ये लाइबिलिटी है, अब लाइबिलिटी में भी पता चल गया कि ये नॉन करंट लाइबिलिटी है।
अब हमें डिसाइड करना है कि बीपीओ में से कौन से वाले में जाएगा। तो तुम्हें पता है ये बोरोइंग पॉसिबल नहीं है, अदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन साफ साफ वर्ड प्रोविजन लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोविजन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जब तुम्हें एग्जैक्टली आंसर ना याद हो तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि सारे में रख के हम सोचते हैं कि क्या या वहां ये पॉसिबल है, क्या वहां जाना इसका रखना पॉसिबल होगा, अगर नहीं है तो समझ जाना कि वहां पे नहीं आएगा। ओके, फिर आगे है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। अब ये तो साफ साफ तुम्हें पता चल गया क्योंकि इसके बारे में हम काफी बार पढ़े हैं, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है तो मैं बता देता हूँ। ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में भी तुम्हारा पता ये कहाँ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड में। कहाँ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड, जो मैंने कैपिटल और लाइबिलिटी पार्ट कहा था, जिसमें कैपिटल पार्ट तो वो एक्चुअली क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है। और उसमें भी किसमें जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ये मैंने पूरा नाम इसलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा याद रहे। ओके, बाकी चीजें तो आपको पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें याद करना थोड़ा जरूरी होता है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा ही होगा। पहले तो लाइबिलिटी है, उसमें अब शेयर होल्डर्स फंड, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली लिखता हूँ कि शेयर होल्डर फंड। अब उसमें याद रखना है कि ये हमारा कौन से पॉइंट में जाएगा, ये हमारा जाएगा शेयर कैपिटल वाले पॉइंट में, यानी अब ये रिजर्व नहीं है, ये कैपिटल वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व है तो ये तो सेम टू सेम इसके जैसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लाइबिलिटी वाला है और उसमें शेयर होल्डर्स के फंड में जाता है, और कहां जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर 7 पॉइंट, यानी सेम टू सेम नंबर 7 के जैसा है। बात समझ में आया? देखो, अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से तुम्हें याद हो जाएगा। ओके, और याद करने का तरीका भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है। फिर आगे देखो, आगे लिखा है प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडीमेबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर। अब देखो, पहले तो ये पता है कि प्रीमियम ऑन डिबेंचर है तो ये प्रोविजन होता है, राइट? लेकिन ये वर्ड लिख दिया है कि नेक्स्ट ईयर। अगर वर्ड नेक्स्ट ईयर लिख दिया है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया शॉर्ट टर्म। बात समझ में आया? ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म वाले में चला जाएगा। अब देखो, अब ये शॉर्ट टर्म में जाएगा तो सबसे पहले लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में हमारा जाएगा करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी में तीन चीजें होती हैं, बी पी ओ। अब मैंने कहा है कि ये तो बोरोइंग है नहीं। अब ये देखो, प्रोविजन में कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडीमेबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर शायद इस वाले में जाए, लेकिन मैंने जब कहा था कि ये याद करो कि क्या ये लॉन्ग टर्म में प्रोविजन में लिखते थे, जब वहां पे भी प्रोविजन में नहीं लिखते थे तो यहाँ पे भी तो प्रोविजन में नहीं आएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, अदर। तो यानी कि ये पॉइंट किसमें जाएगा, हमारे अदर में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ अदर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रीमियम ऑन डिबेंचर बेसिकली हमारा लॉन्ग टर्म अदर होता है, सॉरी अदर लॉन्ग टर्म होता है। ओके, ओएल, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, राइट? तो जब वहां पे भी अदर है तो यहाँ पे भी तो अदर ही होगा ना, भले तुमने करंट में लिखा है लेकिन अदर तो अदर ही रहने वाला है, वो तो प्रोविजन बन नहीं जाएगा यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद है कॉल्स इन एडवांस ऑन शेयर्स। अब देखो, यहाँ पे है कॉल्स इन एडवांसेस। अब तुम्हें जो कॉल्स इन एडवांस मिला है, तुम्हें पता है कि जैसे तुम नेक्स्ट कॉल करोगे वो वहां पे कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा, तो ऐसे ही याद रख लेना, ऐसे चीजों को समझो। फिर अब देखो, अब जैसे ही समझोगे वैसे तुम्हें दो चीजें क्लियर हो जाएगी, ये तो लाइबिलिटी में जाएगा और लाइबिलिटी में भी करंट में जाएगा। अब उसके बाद मैंने कहा कि अब ये कॉल्स इन एडवांस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये तो क्लियर होगा कि ये करंट लाइबिलिटी में जाता है, लेकिन अब डिसाइड करना है कि ये बीपीओ या टीपी, इन चारों में से किस में जाएगा। तो देखो, ट्रेड पेबल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बोरोइंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुमने ये बोरो नहीं किया है, तुमने कैपिटल इशू किया हुआ, कैपिटल इज डिफरेंट थिंग, राइट? तो अभी बचा प्रोविजन और बचा हमारा अदर। तो प्रोविजन में मैंने कहा था दो ही चीजें आती, एक तो टैक्स का आता है और एक डिविडेंड का आता है, तो ना तो ये टैक्स है ना ही ये डिविडेंड है, मतलब ये तीनों कैंसल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, अदर ही बचा। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, अदर। तो हम याद रखेंगे कॉल्स इन एडवांसेस ऑन शेयर्स कहां जाता है, अदर में। और मैंने कहा भी था जब हमने फॉर्मेट पढ़ा था, तो फॉर्मेट मैंने कहा था कि दो या तीन चीजें ही ऐसी होती हैं जो आपको प्रॉपरली बार बार पढ़ के याद करना पड़ेगा। मैंने पूरे फॉर्मेट में जब मैंने एक्सप्लेन किया था 20 के 200 पॉइंट, और हर पॉइंट के अंदर कम से कम 5 तो थे ही, तो मैंने उसमें से दिखाया था तुम लोगों को कि 5 में से 3 एवरेज तुम्हें पता है, एवरेज 5 में से 3 तो पता ही है, बस तुम्हें करना क्या, बाकी का जो 2 है वो तुम्हें रीड करना है बार बार, क्योंकि इसलिए बार बार रीड करना ताकि कंफ्यूजन ना हो। बात समझ में आया? तो इस तरह से करोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है इसको अच्छे से रीड करना, और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में भी जब तुम पढ़ाई करोगे तो जहां पे कंपनी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आएगा, तो वहां पे कोई तुम्हें फॉर्मेट एक्सप्लेन नहीं करेगा, वहां पे क्या बोल देंगे कि तुमने तो 12th में पढ़ाई है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन।
तो वहां पे जब ऐसे डायरेक्टली बोल देंगे लेट स्टार्ट द क्वेश्चन, तो ये सुन के तुम्हारे कहते हैं दिल की धड़कन ना बढ़े, उससे अच्छा कि यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, उसी के साथ एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, और क्वेश्चन में है फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुबेर लिमिटेड एज ऑन 31/3 स्टेट हाउ दिस बैलेंसेस विल बी शोन एज द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। राइट, यानी कि सेम है, और यहाँ पे टोटल मैंने 20 पॉइंट्स ऐड किए हैं। राइट, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग। तो तुम्हें पता है ये तो हमारा एसेट्स होता है। अब एसेट्स में भी मैंने बताया था दो होते हैं, करंट और नॉन करंट। तो तुम्हें पता है जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो तो नॉन करंट ही होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसमें भी तुम्हें पता है ये क्या होता है, फिक्स एसेट होता है। लेकिन याद होगा मैंने फिक्स एसेट्स में भी दो बताया था, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा है टेंजिबल, यानी इसको ऐसे याद रखो। इतना आसान हो गया। हालांकि जो ये चार्ट है उस चार्ट को भी दिमाग में रखोगे, जो ये चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था ये रहा। ठीक है, ये चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया, इसको इसका जो डिटेल में वीडियो है वो मैंने फर्स्ट वाला ऐड किया था, यानी जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वहां पे इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये तो मैंने सिर्फ शॉर्ट के लिए बना दिया, और ज्यादा इसमें देखो टाइम नहीं लगा मुझे, मैक्सिमम ये क्या 1.5 मिनट ही लगा, यानी 1 to 1.30 मिनट लगा। राइट, तो उसमें बस तुम्हें इसको फटाफट नोटबुक में अपने लिख लेना और हमेशा याद करना। एक छोटा सा पेज लो, फटाफट लिख लो, याद हो गया। फिर पेज लो कभी 5-6 दिन के बाद, फिर से वैसे लिख लो। तो ऐसे अगर 1 महीने तक करते हो तो परमानेंटली तुम्हें याद हो ही जाएगा। फिर इसके अंदर का जो मैटर्स है वो कैसे याद होगा, जब तुम बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, ऐसे ही एक टाइम गैप में ले लो, 7-7, 8-8, 9-9 दिन में बार बार एक एक क्वेश्चन कर लिया करो। ठीक है, रेगुलर करने की जरूरत नहीं है, बट एक टाइम इंटरवल के बीच में करते रहोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ओके, अभी नेक्स्ट है शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब देखो शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी है तो मैंने कहा है ये तो इन्वेस्टमेंट है, पहले तो पता है ये एसेट्स है, और एसेट्स में भी तुम्हें पता है। अब देखो, अब ये डिसाइड करना है कि करंट है या नॉन करंट है। मुझे ये तो पता चल गया कि ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला ये करंट है या नॉन करंट है। तो इसको रीड करो, क्या कहीं पे कोई डेट मेंशन है, या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए? ना कहीं डेट मेंशन है, ना कहीं लिखा हुआ शॉर्ट टर्म के लिए। तो याद रखना, जब भी ऐसी चीजें मेंशन नहीं होंगी हमेशा इसको क्या समझोगे, नॉन करंट। और ये तो तुम्हें पता ही है कि ये इन्वेस्टमेंट है, बस समझ में आ गया। अब उसके बाद डेटस, तो डेटस का तो क्लियरली पता है कि ये एसेट्स में, करंट में, करंट के बाद ट्रेड रिसीवेबल में। क्लोजिंग स्टॉक का भी पूरा एग्जैक्ट फॉर्मेट है, तो इसका भी कोई टेंशन नहीं। एसेट्स में, एसेट्स के करंट में, करंट के इन्वेंट्रीज में। जिनका एग्जैक्ट फॉर्मेट है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, जो थोड़े आड़े टेढ़े होते हैं उन्हीं को याद करने का टेंशन होता है। राइट, अब उसके बाद जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अब देखो ये तो क्लियरली लिख दिया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी सेम है, एसेट्स में जाओ, करंट में जाओ और इन्वेस्टमेंट में जाओ। राइट, ये तो बहुत ईजी हो गया क्योंकि यहाँ पे क्लियर वर्ड मेंशन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ बैंक बैलेंस, अब तुम्हें बैंक बैलेंस याद होगा, बैंक बैलेंस का भी एग्जैक्ट फॉर्मेट है। क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट है कि एसेट्स में जाओ, एसेट्स में करंट होता है, करंट में एक होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। राइट, तो इस तरह से डायरेक्टली तुम वहां से सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आया, यानी डायरेक्टली सॉल्व मतलब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही करना है। उसके बाद बात करते हैं गुडविल का, तो गुडविल का भी बहुत आसान है याद करना। हमने बताया, हमने पढ़ा है कि ये फिक्स एसेट होता है, बस याद ही रखना है फिक्स में कहां जाता है। तो इसको याद कैसे रखो कि ये एसेट्स में जाता है, एसेट्स में से भी कहां जाता है, फिक्स एसेट्स में जाता है, सॉरी नॉट फिक्स एसेट डायरेक्टली, पहले हम लिखते हैं नॉन करंट। ठीक है, क्योंकि ये एसेट के बाद तो नॉन करंट बनता है ना, नॉन करंट के अंदर बनता है फिक्स। लेकिन अब उसके बाद भी दो रास्ते हैं, टेंजिबल का है और एक इनटेंजिबल का है। तो ये तो टेंजिबल नहीं होता है, तो ये कौन सा रास्ता हो जाएगा, इनटेंजिबल, यानी आईटी। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर समझ में आ रही, तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कस्टम डिपॉजिट। अब देखो कस्टम डिपॉजिट, मैंने कहा ना एक दो ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो सोचते हैं अभी। सबसे पहले तो कस्टम डिपॉजिट, कस्टम के पास तुमने कुछ डिपॉजिट किया है, तो ये बात तो पता चल गया कि एसेट्स है। ठीक है, ये तो क्लियर पता चल गया कि ये क्या है, एसेट्स है। और तुमने डिपॉजिट किया तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, यानी ये भी तो क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि लोन्स एंड एडवांसेस के बीच में क्या आएगा, यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि एसेट्स में जाएगा, फिर लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा। अब समझना ये है कि करंट वाले जाएगा या नॉन करंट जाएगा। तो देखो कस्टम डिपॉजिट का मतलब है कि तुमने कस्टम को पैसे दिए हैं एज अ डिपॉजिट। तो बात को समझो कि यहाँ सारे जहां पे भी ऐसे बिहेवियर्स होते, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया या टेलीफोन हो गया या कस्टम हो गया, तो जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं ये ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमें वहां पे जो भी काम करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए ही करना पड़ता है, इसलिए हमें डिपोजिट वहां पे एज अ डिपोजिट में रखना पड़ता है। जैसे स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी वाला तो सबको ही पता होगा, अगर कभी मन करे तो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाना, उसमें देख लेना, उसमें एक डिपोजिट का कॉलम होगा और उसमें लिखा होगा कि तुम्हारे घर से कितना डिपोजिट ऑलरेडी पे किया हुआ है। वो क्यों पे करते हैं, इन केस अगर कल गलती से हम कभी कुछ पैसे देना भूल जाए तो सामने वाले हमारा जो प्लान है, हमारा जो काम है, उसको रोक ना दे, ठीक है। उनको पता रहेगा कि इन्होंने कुछ पैसे एडवांस दे के रखा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा नॉन करेंट, जैसे रूम का डिपॉजिट हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना कभी कभी, जब हमारे रूम में कोई आता है रहने के लिए तो वो डिपॉजिट देता है, तो वो तो डिपॉजिट कब तक लिए देता है, जब तक रहेगा तब तक, राइट। और वो तो हम यही सोच के चलते हैं कि आने वाले 2-3 सालों तक तो रहेगा, हो सकता है शायद ज्यादा भी रहे, तो ऑलवेज हम उसको क्या समझेंगे, नॉन करेंट ही समझेंगे। और ये तो याद रखना कि लोन्स एंड एडवांसेस में। अब उसके बाद बात करते हैं फर्नीचर और ट्रेडमार्क। तो फर्नीचर और ट्रेडमार्क जो इजी है ये मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, एसेट्स में, एसेट्स के बाद तुम्हारा नॉन करेंट, नॉन करेंट के बाद फिक्स, और फिक्स के बाद तुम्हारा ये टेंजिबल, और यही तीन कॉपी पेस्ट यहाँ पे, लेकिन ये किस में हो जाएगा, इनटेंजिबल, क्योंकि ये क्या है, ट्रेडमार्क है। तो मैंने कहा था कि फिक्स एसेट्स वाला याद रखना थोड़ा आसान है, बस तुम्हें टेंजिबल और इनटेंजिबल में डिफरेंस पता होना चाहिए। टेंजिबल में सारे जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ओके, ये सारी चीजें आ जाएंगी, और तुम्हारा इनटेंजिबल में कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें से लास्ट के जो तीन मैंने बोले, फ्रेंचाइज, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस, बस तुम्हें यही तीन याद रखना है, बार बार इन तीनों को पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों के बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं ज्यादा, हमने कभी 11th में नहीं देखा था कि लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या सॉफ्टवेयर भी होता है इंटेंजिबल में। हमें चार ही चीजें पढ़ाई जाती है, ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है, तो पेटेंट, यही चार चीजें हमें बताई जाती है, तो इसलिए ये थोड़ा याद रखना। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो देखो ये तो प्रीपेड है, तुम्हें पता ही ये कहाँ जाता है, सबसे पहले तो ये करंट तुम्हें क्लियर है, लेकिन ये एसेट्स उसके पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि बाकी यहाँ पे क्या होगा, तो वहां पे हमारे 5-6 पॉइंट है। तो अब तुम्हें पता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है नॉर्मली हम कहाँ लिखते हैं, अदर में लिखते हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो रख के चेक करो। पहला होता है कैश, तो कैश में तो जाएगा नहीं, इन्वेंटरीज बिल्कुल नहीं जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल बिल्कुल नहीं जाएगा, कि ट्रेड से रिलेटेड ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं सर। उसके बाद क्या था, लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये लोन्स या एडवांसेस है नहीं सर, तो बचा क्या, अदर, यानी सारे घर में जाके चेक कर लिए, सारे घर में से दरवाजा सबने बंद कर दिया, तो लास्ट वाला जो दरवाजा बचा वही होगा, क्योंकि जो किसी का नहीं वो किसका, अदर का। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल अभी मैंने बताया कि ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है, राइट, तो इसको तुम सॉल्व कर लेना। उसके बाद स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स है, तो स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स है, तो स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, अब देखो ये वाला थोड़ा सा सोचना है, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, याद होगा मैंने इसके बारे में बताया था, समझाया था, तो याद क्या रखना है कि जब भी स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स आता है तो थोड़ा इसको लर्न कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ओके। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एसेट्स में, अब एसेट्स में हम इसको करंट में लिखे या नॉन करंट में लिखे, तो याद है मैंने कहा था कि जब बिजनेस होते हैं वहां पे जब बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं तो अक्सर वो मशीनें खराब होती रहती हैं, जब वो मशीनें अक्सर खराब होती रहती तो उनको सही करने के लिए हमें छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। स्पेशली मैं अगर तुम्हें बात करूं, अगर तुम्हें कभी देखना हो ऐसा कुछ, तो स्पेशली जो व्हीकल्स बनाते हैं ना, तो वहां कभी जाके देखना, तो उनके पास जो भी पार्ट्स होते हैं ना वो परमानेंट चेंज होते रहते, ऐसा नहीं कि कोई वो सामान खरीद के ला लिए तो जिंदगी भर दुकान में चलता रहता, नहीं, उनका हर 2-3 महीने बाद वो टूटता फूटता रहता, रीजन था क्योंकि वो उतना यूज करते हैं। अब हमारे घर में रखा होता है, अगर ये ऐसा कुछ रखा हो, जैसे वो होता है ना नट बोल्ट टाइप का, इंची पाना, ये सब जो जो आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, अगर ऐसे चीजें होती तो हमारे घर में तो सालों चलती है, क्योंकि हम यूज ही नहीं करते। लेकिन वही ऐसे लोग जो कंपनी वाले होते हैं या जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो तो डेली यूज करते हैं, पता नहीं कितनी बार यूज करते हैं, राइट। तो एक चीज याद रखना, ये रेगुलर बेसिस पे हमें चेंज करते रहना होता है अगर खराब हो गया हो तो, राइट। तो ये तो पता चल गया ये एसेट्स है, अब एसेट्स में भी करंट है, करंट में भी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ जाएगा, तो स्पेयर पार्ट्स का मैंने बताया था ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है, किससे, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि इनका स्टॉक हमें रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना होता है, और अगर कोई कम ज्यादा हो तो हमें उसके हिसाब से नया अरेंजमेंट करना पड़ता है, कि कोई चीज खराब हो जाए उससे बेटर है कि नया लेके आ जाओ, राइट। तो याद रखना थोड़ा सा इसको लर्न करना पड़ेगा कि ये स्टॉक में जाता है। उसके बाद है लोन टू इम्प्लॉइज, अब देखो लोन टू, क्लियर वर्ड लिखा हुआ है लोन टू इम्प्लॉइज, और यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या समझे, शॉर्ट टर्म समझे या लॉन्ग टर्म समझे, पहले तो चलो ये पता चल गया कि ये एसेट्स होगा, और ये पता चल गया कि लोन से एडवांसेस में जाएगा, अब डिसाइड करना है यहाँ पे करंट होगा या नॉन करंट होगा। तो क्वेश्चन में देखो कहीं भी कोई डेट मेंशन नहीं, कोई कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो याद रखना जब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये करंट है, सॉरी नॉन करंट है, ठीक है। तो
तो ये किसका समझ लो इसको, नॉन करेंट कैटेगरी का लोन सेल एडवांसेस। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैच्योरिटी डेट 36/2017। अब देखो इसमें डेट लिखा हुआ है, तो इस डेट को देखने से पहले ऊपर वाली डेट देखना कि हमारे क्वेश्चन में कौन सी डेट लिखी है। तो हमारे क्वेश्चन में 31/3/2017, ये डेट कौन सी है, 31/3/2017। और नीचे डेट कौन सा लिखा हुआ है, 36/2017, यानी सेम ईयर का है ना, शॉर्ट टर्म है राइट। ये तो 3 महीने में मेच्योर हो रहा है, यानी ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। चलो ये तो क्लियर हो गया। पहली बात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो ये एसेट्स होगा, और एसेट्स में भी तुम्हें पता चल गया करंट है। अब करंट में भी दी सिक्योरिटीज है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तुमने क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट ही तो किया होगा। बात समझ में आया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा। और प्रीपेड टैक्सेस, अभी कुछ देर पहले मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस का बताया था, तो ये तुम्हारे ऊपर है, इसको तुम खुद कर लेना ओके। उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। अब देखो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट विद बैंक लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है मैच्योरिटी डेट 31/3/2020, और हमारा कौन सा है, 31/3/2017 है। अगर तुम डेट ध्यान से देखोगे तो 3 साल का डिफरेंस है। अगर 3 साल का डिफरेंस है, एक तो पता चलेगा लॉन्ग टर्म होने वाला है। तो चलो मैं लिख देता हूँ एसेट्स, अब उसमें हो जाएगा नॉन करेंट। अब नॉन करेंट के कैटेगरी में भी कौन सा होगा वो समझना है, ठीक है। नॉन करेंट में भी कौन सा होगा हमें वो समझना है। तो फिक्स डिपॉजिट है तो तुम्हें पता है डिपॉजिट का मतलब तुमने बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि बैंक में पैसे दिए ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, नॉन करेंट में, बैंक में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। बात समझ में आया। अगर ऐसे नहीं आ रहा था कि सर इन्वेस्टमेंट ही क्यों हुआ, लोन से एडवांसेस क्यों नहीं हुआ, तो भाई साहब तुम बैंक को लोन से एडवांस नहीं देते हो। अगर ऐसा है कि तुम इतने बड़े हो गए हो या इतना पैसा है तुम्हारे पास कि तुम बैंक को लोन से एडवांस दे रहे हो, तो बैंक वालों को अपना डिटेल देना, वो सारे पहुंच जाएंगे। वैसे भी आजकल बैंकों के पास पैसे नहीं है, तो तुम बता दोगे तो सारे बैंक वाले तुम्हारे घर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये से याद रख सकते हो तुम। उसके बाद है लूज टूल्स। तो लूज टूल्स का तो मैंने बताया था कि तुमको ये कहाँ जाता है, ये स्टॉक में जाता है। अब स्टॉक में जाता है तो इसके पहले की सारी चीजें याद हो जाएंगी तुम्हें, एसेट्स, और एसेट्स के बाद करंट, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं लोन टू डायरेक्टर्स। देखो टेम्परेरी लिखा हुआ है, टेम्परेरी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। तो एक बात तो पता चल गया कि ये लोन से एडवांसेस है, ठीक है। क्या है, लोन से एडवांसेस है, लेकिन ये लोन से एडवांसेस भी क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए हो तो ये तो एसेट से, बाकी चीजें तो हमें पता ही है। फिर आगे है इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। लास्ट क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। अब ध्यान से समझो, ये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो तुम्हें पता, इन्वेस्टमेंट तो पता ही चल गया कि होने ही वाला है, और एसेट्स तो है ही है। अब सवाल है ये बीच वाला चेक करना कि करंट है या नॉन करंट है। तो मैंने कहा है चेक करो क्या कोई डेट मेंशन है, नहीं मेंशन है। क्या कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, सर नहीं दिया हुआ है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम करंट एज्यूम नहीं कर सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, नॉन करेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से तुम्हें टोटल जितने भी है ये लाइबिलिटी और ये जितने भी एसेट्स, मैंने दोनों का बता दिया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है, और ये क्वेश्चन तुम एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, कितने हैं, 20 है। फिर भी मैं देख लेता हूँ कि कोई ऐसा न्यू है जो बताने जैसा, तो मैं समझा दूंगा। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल तो इजी हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर, देखो ये नया है, कॉल्स इन एरियर, और उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, शेयर फॉरफिटेड, देखो ये 3 नए हैं। तो चलो ये मैं तीनों पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। कॉल्स इन एरियर्स है, सबसे पहले क्या है, कॉल्स इन एरियर्स। सवाल आता है सर ये कहाँ जाएगा, तो तुम्हें पता है ये कॉल्स इन एरियर किससे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड, राइट। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक आइडिया तो लग गया कि किससे रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। तो चलो मैं लिख देता हूँ, इक्विटी लाइबिलिटी वाला पोर्शन है, यानी लाइबिलिटी वाला पोर्शन है, उसमें जाता है शेयर कैपिटल में। अब डिसाइड करना कि शेयर कैपिटल में भी करना क्या है, तो इसको ध्यान से देखो और याद करो कि मैंने बताया था कि कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तुम्हें कॉल्स इन एरियर का मतलब पता होना चाहिए। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि पैसे तुम्हें नहीं मिले हैं, और जब पैसे तुम्हें नहीं मिले हैं तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में से हम क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में से हम डिडक्ट कर देते हैं। और शेयर कैपिटल का जो मेन हेडिंग होता है वो तुम्हें पता है, शेयर होल्डर फंड होता है, ठीक है। तो इसको पूरी तरह अगर ढंग से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसे होगा, सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटी में जाता है, इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड का हेडिंग होता है, उसमें हमारा होता है शेयर कैपिटल, और उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि हमें पैसे नहीं मिले। अब बात करते हैं फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो होता है ये सेम टू सेम उसी तरह से होगा जैसे ये ऊपर वाला है, बट डिफरेंस ये होता है कि हम ये माइनस नहीं करते, हम इसको सेपरेट दिखाते हैं। क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट दिखा देते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेट याद होगा तो वहां पे हम लोगों ने देखा था फोरफिटेड शेयर अकाउंट सबसे लास्ट में लिखा था, और नीचे अमाउंट डैश करके लिखा था, राइट। तो याद रखना इसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांसेस। क्या है, कॉल्स इन एडवांसेस।
तो कॉल्स इन एडवांस जो है ये भी किससे रिलेटेड है, शेयर से रिलेटेड है, लेकिन ये एडवांस पैसे मिल गए हैं। एडवांस पैसे मिल गए तो हमारा शेयर अभी नहीं बन सकता, हमारा एक कैपिटल नहीं बन सकता क्योंकि हमने मांगे ही नहीं थे। तो लेकिन एक बात तो पता है कि इक्विटी लाइबिलिटी में जाने वाला है। हाँ सर पता है इतना। अब उसके बाद एडवांस तुम्हें पैसे मिल गए, तुम्हें पता है ये हमारा लाइबिलिटी बनने वाला है। तो लाइबिलिटी के दो पार्ट होते हैं, करेंट और नॉन करेंट। तो ये तुम्हारा करंट हो जाएगा, और करंट में भी कहाँ जाएगा, अदर। याद होगा मैंने कहा था कॉल्स इन एडवांसेस और एडवांस रिसीव्ड इनकम और आउटस्टैंडिंग, ये दो तीन नाम ऐसे होते हैं जो आपका अदर में जाता है। उसके बाद आगे है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये कर लेना। जनरल रिजर्व, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, ये सारे नॉर्मल है। लॉस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ अब ये देखो थोड़ा है जो याद रखना है, लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब भी लॉस दिया होगा सबसे पहले तुम्हें पता है ये लाइबिलिटी में जाएगा और ये शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा, और शेयर होल्डर्स फंड में भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। अब रिजर्व एंड सरप्लस में ये क्या है, लॉस है। मैंने कहा था जब ये लॉस होगा तो हम क्या करते हैं, इसमें से डिडक्ट करते हैं, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम ऊपर हेडिंग में लिख देंगे। लॉस होगा तो डिडक्ट करना है, और प्रॉफिट होगा तो ऊपर सबसे लिख देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट तुम्हारे ऊपर ही सेम टू सेम डिबेंचर वाले हेडिंग की तरह है। ठीक है, तो इस तरह से देखो फटाफट हमारा हो गया, बाकी की जो चीजें वो तुम कर लेना, बाकी कोई डाउट हो तो बताना। अब उसके बाद देखो एक और है, इसमें 10 है। 10 में भी देखो अगर कुछ नया है तो मैं बता देता हूँ। जैसे प्रपोज डिविडेंड ये मैंने बता दिया था, अनक्लेम डिविडेंड ये भी सेम कैटेगरी का लाइबिलिटी है, बॉन्ड डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट और बॉन्ड तीनों एक ही कैटेगरी है, तो इसको भी तुम कर लेना। बिल्स पेबल तो नाम से ही पता चल जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब देखो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अब ये थोड़ा सा होता है जो थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा डिबेंचर रिडम्पशन करने के लिए तुमने कोई रिजर्व बनाया है, तो ये तो क्लियर पता चल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। अब बाकी की दो हेडिंग तुम्हें पता है, लाइबिलिटी है और शेयर होल्डर्स फंड है। ओके, उसके बाद टर्म लोन, टर्म लोन लिखा हुआ है तो क्लियरली पता चल गया टर्म लोन है मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी सेम टू सेम बॉन्ड वाली कैटेगरी। उसके बाद रिजर्व फंड है तो ये सेम टू सेम नंबर 5 वाली कैटेगरी। एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अब देखो एडवांस कस्टमर से रिसीव किया है, और जब कस्टमर से रिसीव किया है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अदर करेंट लाइबिलिटी। एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी। यानी अगर बात करूं 8 और 9 तो ये दोनों का दोनों क्या है सेम कैटेगरी में है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हें पता है कि ये बोरोइंग होता है क्योंकि तुमने बैंक से पैसे लिए हैं, तो ये थोड़ा याद रखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हम कभी भी किसी और में नहीं लिखते, हम कहाँ लिखते हैं उसको बोरोइंग में लिखते हैं क्योंकि हमने पैसे बैंक से लिए हैं, तो ये थोड़ा तुम्हें याद रखना है। अब बोरोइंग का भी, लेकिन कौन सा बोरोइंग है, ये शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हें कौन सा वर्ड लिखना होता है करंट। तो यहाँ पे तुम्हें पता है ये करंट का है, और ये तो पता है ये लाइबिलिटी का है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें इतना याद रखना है, क्लियर है इतना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगभग 10 यहाँ पे, 10 इसमें और 20 इसमें, प्लस 10 इसमें, मैंने ऑलमोस्ट 50 के आसपास मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो को ढंग से देख लेना, अच्छी तरह से देख लेना, एंड उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस करोगे उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, कौन सा कहाँ जाएगा, सब हेडिंग क्या होगा, मेन हेडिंग क्या होगा, कौन से कैटेगरी में जाता है, और वो सारी चीजें मैंने याद करने के तरीके भी बता दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो डाउट जरूर शेयर करना कि हाँ सर डाउट है, ये है, नहीं समझ में आया। ठीक है, और चैनल अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हो तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से हंसते रहना, और नहीं सब्सक्राइब किए हो तो भी हंसते रहना, और जब लगी तब सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे, इसी तरह से हंसते रहना। ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।